अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है और इस कैंपेन में मैं हुकूमत पंजाब के साथ हूँ। आइए हम मिलकर इस कुदरती आफत को शिकस्त देते हैं, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं, हजूम में नहीं जाते, गैर जरूरी हमें सफर नहीं करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हवा में भी इसके जरासीम होते हैं और इसका असर 15 दिन तक जाहिर नहीं होता, तो इसलिए हमें गैर जरूरी सफर भी नहीं करना चाहिए, हैंडशेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उलमा से भी साबित हो चुका है और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और हमें इतनी सोच समझ दी है कि हम ये काम ना करें। तो लिहाजा अपना और अपने बच्चों का, माओ का, बहनों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल करें। थैंक यू। पर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सा गला खराब है। हाँ तो डॉक्टर के पास गई? हाँ गई थी। हाँ तो क्या कह रही थी वो? हाँ डॉक्टर कह रही थी कि आपके गले को ना नेकलेस की जरूरत है। खान साहब, कंवारी लड़की को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यार आप बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। कंवारी लड़की को अंग्रेजी में बोलते हैं 0 मीटर। राउंड 1 फाइट। तेरी मानू तेरी टोई विच तोड़े तेरे मुंह विच तेरी पैंदा लख दे। यू विन। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉੱਠ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਣਾ। भाई प्यार किसे कहते हैं? प्यार माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत और बहन से हो तो फर्ज। और भाई अगर बीवी से हो तो? फिर लोग कहते ना थले लग गया कंजर। यार देख अब बहुत हो गया तेरा वो एक शब्द बोलने वाला कंटेंट। यार लोग बोर हो रहे हैं। नया बोल नया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਕਮਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਫਿਰ 10 ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਲਾਇਆ। ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਆ।
ਲੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆਹ ਫੜ 10 ਰੁਪਏ ਓ ਖੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਬਾ ਆਇਸ਼ਾ ਮਾਨੋ ਤੇ ਲਾਇਬਾ ਇਸ ਨਾਮ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ इतनी पतली होती हैं इतनी पतली होती हैं कि 10-12 को पकड़ के एक साथ बांधा जाए ना तो एक फूल झाड़ू बन जाती है। यार वो कुड़ियां भी बड़ी दहशतगर्द होंदियां ही जड़ियां क्लास दे विच आंदियां याद करा देंदियां सी सर आपने कल टेस्ट का बोला था। यार देख अब बहुत हो गया तेरा वो एक शब्द बोलने वाला कंटेंट। यार लोग बोर हो रहे हैं। नया बोल नया जैकेट क्यों उतार रखी है? लो जी गरीब भाई लगदी 100 रुपए शर्त कादी मैं तनु हाथ लाया बगैर चटाका मारा ओ नहीं सकदा डन मैं तनु मारा डन करो करो जी डन ओके जी है की अब सो रख मैं हार गया। बेगम ये देख मेरी चाय में मक्खी डूब के मर गई। मैं यहाँ घर के काम करूँ या मक्खियों का तैरना सिखाऊं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, हवावे Y70 इस वक्त मेरे पास है और इसका कलर भी बहुत ही शानदार कलर है और शाइन करता है और इसमें बड़ी खूबी ये है कि 48 मेगापिक्सल है और स्पीड भी काफी अच्छी है। क्या हो बेबी? यार वो कुत्ता मुझे कब से घूर ही जा रहा है। हाँ तो बेबी घूरेगा तो है ही ना, ये कटोरी उसकी जो है। इधर लाची जादू प्याली चाय खानदानी दौलत धुएं में उड़ाए बाहर निकले भाई की बुलेट पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आजकल सैनिटाइजर हर बंदा मांग रहा है लेकिन हमें सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम 5 वक्त की नमाजें पढ़ो तो आपके गुनाह ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे पानी से मैल दूर होती है। तो जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो आप खुद हिसाब लगाएं क्या कोरोना का बाप भी हमारे पास नहीं आ सकता। तुसी पहले मैनू किन्ना प्यार करदे सी ना, गवांडियां दी छत तो कूद के मैनू मिलन आंदे सी। आहो हुण सोचदा उसे छत तो छाल क्यों नहीं मारी मैं। गाइस जैसा कि मोबाइल तो हर कोई इस्तेमाल करता है, आप अपनी वीडियो अनऑफिशियल FATV को बेचकर उससे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो कोई इस तरह की हो, CCTV की फोटेज हो सकती हैं, फनी क्लिप हो सकते हैं या आप अपना टैलेंट शो करवा सकते हैं। तो वीडियो सेंड करने के लिए अनऑफिशियल FATV के फेसबुक पर रابطہ करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।